नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको लावा केक की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि आप आसानी से 10 मिनट में बना सकते हैं। बगैर बेक किए, बगैर ओवन के भी ये तैयार हो जाता है और आजकल ये बच्चों की पहली पसंद हो चुका है लावा केक। और ये रेसिपी हमसे दीपिका सोनी बै प्राची जी ने मांगी है कि आप हमें लावा केक की रेसिपी बताइए, तो चलिए बनाते हैं लावा केक। तो ये मैंने दो चॉकलेट ली है, एक 40 वाली ली है, एक 10 वाली ली है। तो आप चाहें तो 10-10 वाली ले सकते हैं, जितना आपको लावा बनाना उस हिसाब से आप चॉकलेट ले सकते हैं। तो ये मैंने दो चॉकलेट ली है, एक मैंने बिस्किट का पैकेट लिए है, जो इस तरह का चॉकलेट का आता है। आप कोई भी चॉकलेट का बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आराम से आसानी से आपको मिल जाए। हमें चॉकलेट को निकाल लेंगे, इस तरह मैंने चॉकलेट को बर्तन में निकाल ली है। तो आप चॉकलेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको लावा तैयार करना है उस हिसाब से आप चॉकलेट ले सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक पतीले में गर्म पानी रख दिया था, जो कि गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम इस तरह पतीला रख देंगे, साथ में एक चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। चॉकलेट अच्छे से पिघल चुके हैं, अभी हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में एक गिलास मैंने दूध लिया है, जिसे गर्म करके अच्छे से ठंडा किया हुआ है, और हल्का हल्का दूध हम चॉकलेट में डालेंगे। तो आपको बिल्कुल हल्का हल्का दूध डालते हो, इस तरह आपको चॉकलेट जो है उसका घोल तैयार कर लेना है। एकदम से अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और घोल हमें बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं तैयार करना, बिल्कुल पतला भी नहीं करना। जैसा लावा होता है उस तरह का हमें घोल तैयार करना है। तो आपको एकदम से ज़्यादा दूध नहीं डालना, और दूध गर्म करने के बाद में ठंडा अवश्य कर लें, और फिर आप इस तरह का घोल तैयार करें। तो इस तरह का आपको घोल तैयार कर लेना है, जैसे लावा होता है, और दूध ज़्यादा नहीं लगता, कम ही दूध में इस तरह का बन जाता है। अभी इसके बाद में जो बिस्किट है, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह बिस्किट को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और प्लेट में निकालने के बाद में एक जार में डाल लेंगे टुकड़े करते हुए, ताकि बारीक हो जाए। और बिल्कुल बारीक पीसने के बाद में लगभग 1.5 चम्मच मैंने बचा के रखा है, और इसके बाद में जो बचा हुआ दूध था 1 गिलास, और उस दूध से हम इस तरह आटा गूंथ के तैयार करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं। लेकिन दूध बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का दूध डाल के आपको आटे की तरह गूंथना है, और थोड़ा सख्त ही गूंथना है, नरम नहीं होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा नरम गूंथ दिया तो फिर केक ख़राब हो जाएगा। तो जो बिस्किट है उनको बेक करने की आवश्यकता नहीं होती, और कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिस्किट बनाने से पहले सब कुछ उसमें डाला जाता है, और बिस्कुट जो है वो बेक किए होते हैं, उन्हें बाद में पकाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये केक आप बगैर इस तरह पकाए भी आसानी से बना सकते हैं, तो इसे बेक करने की आवश्यकता नहीं है, और सीधा ही हम इसे केक को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अभी आगे। तो आपको इस तरह का आटा गूंथ के तैयार करना है, थोड़ा कड़क गूंथ के तैयार करना है, और दूध आपको बिल्कुल कम डालते हुए आपको इस तरह का आटा गूंथ के तैयार करना है। और बिस्कुट के अलावा आपको और कुछ भी नहीं डालना, तेल मक्खन वगैरह कुछ भी आपको अलग से नहीं डालना, क्योंकि बिस्कुट में सब कुछ होता है। और इस तरह का आपको चिकना बिल्कुल आटा तैयार कर लेना है। और ये मैंने 1 गिलास दूध लिया था, उसमें से इतना दूध बच गया है, जो कि हमने बिस्किट का आटा और चॉकलेट दोनों तैयार किए हैं। और इसके बाद में एक मैंने प्याज ली है और एक पॉलीथीन ली है, और पॉलीथीन को अच्छे से हमें इस तरह कटोरी में लगा देना है। पॉलीथीन सबके घरों में आसानी से मिल जाती है, कोई भी साफ पॉलीथीन आप ले सकते हैं। और इस तरह आपको सेट करने के बाद में जो बिस्किट का हमने आटा तैयार किया था उसका 2 भाग कर लेंगे, एक छोटा एक बड़ा, और हथेली में लेके इस तरह फैलाने के बाद में हम प्याले में इस तरह सेट कर देंगे। और इस तरह आपको प्याले में दबाते हुए पूरा अच्छे से सेट कर देना है, बिल्कुल फटना नहीं चाहिए, और आराम से आपको इस तरह प्याले में सेट कर देना है। आप प्याली छोटी या बड़ी ले सकते हैं, कोई भी स्टील की कोई भी आपके पास में है वो आप ले सकते हैं, और इसमें आपको अच्छे से सेट कर देना है।
हाथों से इस तरह दबाते हुए किनारियां अच्छे से कटोरी का जैसे आकार होता है उस तरह आपको आकार बना देना है, और नीचे थोड़ा सा इस तरह आपको फैलाते हुए अच्छे से आपको दबा देना है, और बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए। आराम से उंगलियों के अंगूठे की सहायता से आपको अच्छे से जो कटोरी का आकार है उस तरह से आपको बना देना है, किनारियों को अच्छे से दबा देना है, और इस तरह आपके जो बिस्किट का आटा है अच्छे से वो सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आटे का 2 भाग किया था, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा लिया है, एक थोड़ा कम लिया है, नीचे का भाग थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इस तरह हमने अच्छे से कटोरी में सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इस तरह दबाते हुए, लेकिन कहीं से फटना नहीं चाहिए, बीच में से इस तरह आपको सेट कर लेना है। तो इस तरह हमने कटोरी का आकार दे दिया है, और इसके बाद में जो हमने लावा बना के तैयार करके रखा था वो हम बिल्कुल बीच में सेंटर में डाल देंगे, और इतना ही डालेंगे कि बाहर तक नहीं आए, और थोड़ा सा हमें खाली रखना है, पूरा ऊपर तक हमें नहीं भरना। और इसके बाद में जो हमने आधा हिस्सा बचा के रखा था बिस्किट के आटे का, उसे हमें थोड़ा सा हथेली में लेके एक सार करके और हथेलियों पे दबाते हुए हमें थोड़ा फैला लेना है, और फैलाने के बाद में इस तरह का आकार देना है कि जो हमारी कटोरी है उसके ऊपर पूरा बराबर फिट हो जाए, बराबर आए, तो बराबर बिल्कुल लेना है, और इस तरह फिर आपको आराम से ऊपर लगा देना है। लेकिन किनारियों को आपको दबाना है, बीच में आपको दाब नहीं देना, जो किनारियां हैं उसे हमें अच्छे से मिला देना है ताकि साइड में खुला ना रहे, और अच्छे से आपको किनारियों को अच्छे से दबाते हुए आराम से इस तरह मिला देना है। तो साइडों से किनारियों को अच्छे से मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अगर हमने बंद सही से नहीं किया तो लावा पहले ही निकल जाएगा, तो अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में एक प्लेट लेंगे, और प्लेट पे इस तरह हम उल्टा करके प्याली को अलग निकाल लेंगे, और इसके बाद में जो पॉलीथीन है उसे अलग इस तरह हटा लेंगे, इसलिए पॉलीथीन लगाई थी ताकि केक जो है हमारा टूटे नहीं, बिल्कुल अच्छे से सही बन के तैयार हो। और ये बड़े ही ध्यान से हमने पॉलीथीन को अलग कर लिया है, और आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से जो केक है वो तैयार हो चुका है। बेक नहीं किया हमने, ओवन में नहीं रखा, कढ़ाई में, प्रेशर कुकर में, किसी में हमने नहीं रखा। और इसके बाद में जो हमने शुरुआत में बिस्किट का थोड़ा सा बुरादा बचा के रखा था, हमने पीसने के बाद में वो डाल देंगे, और इसके बाद में पीसी हुई चीनी हल्की सी डाल देंगे, और इसके बाद में हम हल्का सा वापस थोड़ा सा बिस्किट का ऊपर से चूरा डाल देंगे, क्योंकि डेकोरेट के बगैर केक अधूरा लगता है, और बड़ा ही शानदार खूबसूरत केक बन के तैयार हुआ है। और इसके बाद में आपको मैं कटिंग करके और बता दूं, ये देखिए कटिंग करते ही लावा जो है वो बाहर आ चुका है, क्योंकि लावा केक में जब तक लावा बाहर नहीं आए तब तक हम लावा केक नहीं कह सकते। और अगर आप भी इस तरह बनाते हैं तो आपके केक का भी जो लावा है वो अवश्य ही बाहर आएगा, और ये खाने में बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी बनता है। ऐसा नहीं है कि हमने बेक नहीं किया तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी आता है, और लावा भी अच्छे से बाहर आ जाता है। तो जो हमारा लावा केक है बनके तैयार है, और जितना आसानी से बनता है उतना ही ये स्वादिष्ट भी लगता है, और बगैर बेक किए ये बन जाता है। और मेरा बेटा पास में ही खड़ा है, अभी मैं इसे भी देने वाली हूँ, और इसी से पूछेंगे कैसा लगा इसे। कैसा बन रहा है? वाओ यम्मी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।